क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जैसे कि नाम से ही पता है, क्वाड, क्वाड मीन्स टू होता है इन नाम, क्यूआरडी, क्वाड, क्वाड मीन्स टू होता है, टू। यानी कि जिस इक्वेशन का वेरिएबल का पावर टू हो, वेरिएबल का पावर टू होता है, वह क्वाड्रेटिक होता है। अब हम लोग देखेंगे वेरिएबल क्या होती है और एक कांस्टेंट क्या होती है। जैसे एक इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, इसमें ए कांस्टेंट होता है और एक्स वेरिएबल होता है और बी कांस्टेंट होता है। अभी हम ले लेते हैं 5x plus 2 is equal to 0। ये 5 है कांस्टेंट, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है वह कांस्टेंट होता है, और जिसका वैल्यू चेंज हो जाता है, x का वैल्यू चेंज हो सकता है, तो ये वेरिएबल हो गया। 2 कांस्टेंट और 5 कांस्टेंट, इसमें 2 कांस्टेंट है, 2 और 5, और x क्या है, वेरिएबल है। तो जिस वेरिएबल का पावर 1 हो वह लीनियर होता है। हम लोग पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं लीनियर क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं, क्यूबिक पढ़ चुके हैं, बाई क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक इक्वेशन पढ़ेंगे, सब इक्वेशन समीकरण पढ़ेंगे, इक्वेशन क्या होती है और पॉलिनोमियल क्या होती है, उसमें कुछ डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं 5x plus 2 ये क्या है, पॉलिनोमियल, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर हम इसको लिखें इज इक्वल टू जीरो, ये दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम जीरो से अलग करते, इक्वल से अलग करते हैं, तो ये क्या होगा, इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स इक्वल से जो अलग करते हैं, जब अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम किससे अलग करते हैं, इक्वल से अलग करते हैं, इक्वल से। अब ले लें 2x plus 3 is equal to 5, ये क्या हो गया, इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि इसे हम इक्वल से अलग किए हैं, तो क्या हो गया, इक्वेशन है। अगर हम लिखे 2x plus 3, तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। तो अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या होता है। लेकिन हम लोग अभी लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन मीन्स जिस वेरिएबल का पावर 1 हो वह लीनियर होता है, जिस वेरिएबल का पावर 1 हो। यह क्या, कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, x प्लस बी इक्वल टू 1 यानी इक्वल टू 0, तो x का पावर कितना है, 1, तो लीनियर इक्वेशन है। अगर हम x का पावर 2 कर दे ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो x का पावर 2 हो गया, एक क्वाड्रेटिक हो गया, एक क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू जीरो, एक किस फॉर्म में हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन के बारे में हम लोग देख लेंगे, एक क्वाड्रेटिक क्या होती है, लीनियर क्या होती है। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल में एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, इसमें पढ़े क्या, एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, यानी कि जिस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल का पावर 1 हो, वेरिएबल का पावर 1 हो, वह क्या होता है, लीनियर होता है। और यह किससे अलग किया गया, इसका सेपरेशन क्या है, इक्वल से, तो यह क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन, लीनियर मीन्स अगर वेरिएबल का पावर 1 हो, और वेरिएबल क्या है, हम लोग इसमें देख लीजिए, वेरिएबल क्या, जिसका वैल्यू बदलता है वेरिएबल, जिसका वैल्यू नहीं बदले वो कांस्टेंट होता है। तो ए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और एक्स वेरिएबल हो गया, बी कांस्टेंट हो गया, और इसमें दो कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, तो इसका पावर कितना है, 1, इसका पावर है 1, तो वेरिएबल क्या हो गया, लीनियर हो गया। इसे क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन हो गया। जिसका पावर अगर 2 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस फोर एच प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब ये किस फॉर्म में है, पावर कितना एक्स का टू, तो ये किस फॉर्म में है, अगर पावर टू है तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, किस फॉर्म है क्वाड्रेटिक और इक्वल से है शिफ्ट तो इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। उस आ गया समझ में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। चलिए इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। अब देखेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर, ए बी एंड सी आर रियल नंबर बट ए नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। अब देखेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि एक्स का पावर क्या होना चाहिए टू होना चाहिए। इस फॉर्म में अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में होता है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि ए बी सी, ए बी और सी ये रियल नंबर होना चाहिए, ए बी सी रियल नंबर में, लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए। ए अगर जीरो हो जाता है, अगर मान लेते हैं कि ए जीरो हो जाता है तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, ये अगर जीरो ले लेते हैं तो क्या होगा, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तब यह जो पूरा क्या हो गया जीरो हो गया, तो क्या बचा हमें बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यहाँ पर एक्स का पावर क्या हो गया वन है, तो लीनियर हो गया ना कि क्वाड्रेटिक हो गया, ये लीनियर हो गया, और हमें क्वाड्रेटिक के लिए एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए टू होना चाहिए, एक्स का पावर किस कितना होना चाहिए टू होना चाहिए, तो एक क्वाड्रेटिक होता है। इसलिए एक कंडीशन होती है कि ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए अगर जीरो नहीं है तो किस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, अगर ए जीरो है तो किस फॉर्म में हो गया, लीनियर के फॉर्म में हो गया। तो क्लियर हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर हो गया। अभी हम लोग पॉलीनोमियल बढ़ चुके थे, ax प्लस बी इक्वल टू जीरो, ax प्लस बी इक्वल टू जीरो, यानी ax प्लस बी के फॉर्म में जो रहता है उसे क्या बोलते हैं, लीनियर होता है। अगर इस फॉर्म में रहे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर रहे वेरिएबल का, तो क्या होता है ये क्वाड्रेटिक हो गया, ये क्वाड्रेटिक। अगर थ्री रहे ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, या थ्री है पावर, एक वेरिएबल का पावर थ्री है तो क्यूबिक होगा, वेरिएबल का पावर थ्री है तो क्यूबिक होगा। अगर वेरिएबल का पावर फोर हो, फोर वेरिएबल का पावर कितना हो फोर हो, वेरिएबल का पावर फोर हो तो ये बाय क्वाड्रेटिक होगा। इस तरह हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। अब देखेंगे इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो में। अभी देखिए अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हो तो एक क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल वेरिएबल का जो पावर हो वह घटते क्रम में हो, यानी कि किस क्रम में हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, जैसे
अभी देखिए कि x इसमें कितना है, 2 है, ये कितना हो गया 1 है, ये कितना हो गया x 0 हो गया। जैसे ऐसे लिख सकते हैं a इंटू एक्स स्क्वायर, बी इंटू एक्स पावर 1 और c इंटू एक्स का पावर 0। ये किस फॉर्म में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 2 1 0 2 1 0। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। यह क्या कहलाएगा, किस फॉर्म में कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। जैसे अगर लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ पर x का पावर कितना है, 2 है, इसमें x पावर 1 है, इसमें x का पावर 0 है, x का पावर 0। हाँ, हम लोग पढ़ चुके हैं कि x पावर 0 होता है तो 1 होता है, x का पावर 0 होता है तो कितना होता है, 1 होता है। इसलिए अगर हम लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 4x पावर 1 और 3 इंटू x पावर 0, तो क्या हम लोग लिखे 3 इंटू x पावर 0, तो यहाँ पर तो 1 लिख दिए, तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। इसलिए हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अगर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, वेरिएबल का पावर अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाता है, वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाता है। अगर इस तरह के एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, इसमें एक्स स्क्वायर है यानी कि बी इसमें नहीं है, इसमें क्या है, डायरेक्ट सी है, ए और सी है, बी नहीं है, इसमें ए और सी है, बी नहीं है। ऐसे अभी लिखे इसमें क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इसमें बी 0 हो जाए, बी 0 हो जाए तो डायरेक्ट हमें क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 मिलेगा, अगर बी 0 हो जाए तब। अगर तो उस कंडीशन में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्योर क्वाड्रेटिक बोलते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे प्योर क्वाड्रेटिक, ए प्योर क्वाड्रेटिक, ये प्योर क्वाड्रेटिक हो गया। तो कंफर्म हो गया कि अगर बी 0 हो जाए, अगर बी 0 हो जाए, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी 0 हो जाए उसे हम प्योर क्वाड्रेटिक कहेंगे। तो क्लियर हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्योर क्वाड्रेटिक क्या होता है ये हम लोग पढ़े, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हम लोग पढ़े। अब आगे देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल, एक कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल क्या होती है। अभी देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, इसमें एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, ए हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, ए हो गया। अगर x का कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट b हो गया, ये कोफिशिएंट के लिए, ये इक्वल नहीं है, ये कोफिशिएंट, तो a का x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b, और ये c क्या है, कांस्टेंट हो गया, ये c क्या है, कांस्टेंट हो गया। तो ये क्या है, कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, b क्या है, x का कोफिशिएंट है, और ये कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, अचर हो गया। तो कोफिशिएंट देख लिए कि कोफिशिएंट क्या होती है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक जिसे गुना किया जाए, इसे एक्स स्क्वायर में किसे हम गुना किए थे, एक्स स्क्वायर में ए से, तो ए हो गया उसका कोफिशिएंट, ए हो गया उसका कोफिशिएंट, बी एक्स यानी कि बी गुना बी इंटू एक्स, तो बी हो गया कोफिशिएंट,
बी हो गया कोफिशियंट। अब इसमें सी में नहीं है, सी में क्या है, सी सी में क्या है, कोई भी कोफिशियंट कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, एक कॉन्स्टेंट है, ये क्या हो गया, एक कॉन्स्टेंट है। और ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, बी एक्स में बी हो गया एक्स का कोफिशियंट और सी क्या हो गया, एक कॉन्स्टेंट। तो क्लियर हो गया कोफिशियंट ऑफ द वेरिएबल, एक क्लियर हो गया। अब देखेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक होता है, तो इसमें कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, जितना पावर होता है उतना सॉल्यूशन होगा। इसका पावर टू है, इसमें टू सॉल्यूशन, जिसका पावर वन है वन सॉल्यूशन, जिसका पावर थ्री है थ्री सॉल्यूशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का में टू सॉल्यूशन निकलेगा, यानी कि टू रूट्स निकलेगा, कितने रूट्स निकलेंगे, टू रूट्स निकलेंगे। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक एग्जांपल के द्वारा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टू रूट्स कैसे निकलते हैं, अब इसे देखेंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस टेन इक्वल टू जीरो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमने वही पढ़ा कि जिस वेरिएबल का पावर टू होता है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है और उसका टू सॉल्यूशन निकलेगा, टू रूट्स निकलेगा। अब कैसे निकलेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, बीच का जो मिडिल पॉइंट है, मिडिल पार्ट क्या है, 9x, 9x उसको स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे देखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू जीरो। अब इसमें देखेंगे फर्स्ट में 2 है, लास्ट में 10 है, फर्स्ट में 2 और लास्ट में 10, 2 और 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 10 कितना होगा 20, 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 होगा। अब हमको 20 को इस तरह से दो पार्ट में तोड़ देना है, इस तरह से दो पार्ट में तोड़ना है, उसका सम ऐड करने पर दोनों का या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 9 आ जाए, मिडिल पार्ट होना चाहिए, मिडिल पार्ट होना चाहिए। अब हम 20 को ऐसे तोड़ते हैं, 2 10 होगा, 2 डिवाइड करेंगे ए 5 होगा। अब हम इसको 2 इंटू 2 4 इंटू 5 टू, ये हो गया, हम क्या लिखे 20 लिख दिए। अब हमें क्या लाना है, 9 लाना है, यानी कि उसको 4 और 5 4 और 5, अगर हम 4 और 5 को ऐड कर दें तो 9 हो जाएगा, लेकिन 4 और 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 5 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे उस तब भी 9 नहीं होगा, या 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तब भी 9 नहीं होगा, हाँ दोनों को अगर प्लस कर दें ऐड कर दें तब 9 होगा। तो लेकिन 9 हमको माइनस में चाहिए, प्लस में नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, प्लस में नहीं चाहिए, माइनस में चाहिए। तो इस तरह क्या लिखेंगे, इसे हम चेंज नहीं करेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, 2x स्क्वायर और ये क्या हो गया 9 लाना है, तो 9 लाने के लिए क्या लिखेंगे, 4x माइनस 5x, 4x और माइनस 5x, माइनस माइनस प्लस, काम जो है काम किसका होगा, प्लस का, इसको भी नहीं तोड़ेंगे, 10 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। और अब ये क्या हो गया, आप जो है 1 2 3 था, अब कितना हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें कितना टर्म हो गया 4। अब देखेंगे इसमें दो दो करके एक पेयर बनाएंगे, दो दो करके पेयर, इसमें एक एक पेयर ही हो गया और एक पेयर ही हो गया, दो दो करके पेयर बनाएंगे। अब ये दो करके जो पेयर हो गया उसमें हम कॉमन लेंगे जो दोनों में शामिल हो, दोनों में शामिल हो, अब दोनों में टू शामिल है, दोनों में टू है, इसमें भी टू है, फोर में टू है, कैसे, फोर टू इंटू टू इसमें भी टू है, तो और इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, अब एक्स इसमें रख लेंगे, इसमें भी है, इसमें भी, इसलिए एक्स रखेंगे,
टू इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए टू रखेंगे। इसमें फोर में कितना टू है, दो गो टू है, इसमें एक टू ले लेंगे। अब इसमें क्या एक सिंगल लिए, डबल है तो क्या आया एक्स आया, इसमें एक्स ले लिए थे, अब क्या फोर में टू तो कॉमन लिए तो क्या इसमें माइनस टू आ गया। अब इस पेयर में देखेंगे 5x प्लस 10, इसमें देखेंगे कॉमन क्या हो सकता है, यानी कि x इसमें इसमें नहीं है तो x कॉमन हम नहीं लेंगे क्योंकि दोनों में शामिल होना चाहिए, x इसमें है दोनों और 10 में x नहीं है तो नहीं लेंगे। अब क्या 10 में क्या है तो 10 को लिख सकते हैं 5 × 2, यानी कि 10 में 5 है, 10 में 5 है तो हम 5 को कॉमन लेंगे। अब इसमें कितना माइनस 5 को कॉमन लिए, अब माइनस 5 को कॉमन लिए तो क्या आया इसमें x आया, लेकिन इसमें हम माइनस कॉमन लिए थे, माइनस हमको क्या लेना 10, माइनस हमने 5 ले लिया, माइनस 5 ले लिया, अब हमें क्या आया 10 तो 2 आया गया, इसमें 2 आएगा। माइनस क्यों, क्योंकि माइनस 5 और माइनस 2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है, पॉजिटिव में आता है, इसलिए हम माइनस आया। ध्यान देना कि माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस 5 है और माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको 10 आएगा, पॉजिटिव में 10 आएगा, हमें क्या चाहिए पॉजिटिव में चाहिए 10, इसलिए यहाँ पर माइनस 2 हो गया इक्वल टू 0। अब और में क्या लिखें 2x और माइनस 5, 2x माइनस 5 को एक साइड कर देंगे और इसमें क्या है x माइनस 2 और x माइनस 2 दोनों साइड है तो x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। इसको एक बार फिर से समझते हैं, ऐसे क्या करेंगे, अब फिर हम कॉमन ले लेते हैं, फिर इसमें कॉमन लेते हैं। अब इसमें दो अभी भी दो पार्ट है, एक पार्ट इस साइड एक पार्ट इस साइड। अब इसमें देखेंगे x माइनस 2 दोनों साइड है, इसमें भी है और इसमें भी, तो अगर x माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या आएगा, x माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 2x और इसमें x माइनस 2 तो कॉमन ले लिया तब इसमें कितना आया 2x माइनस 5 आया इक्वल टू जीरो। आप देखेंगे 2x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, ax माइनस 2 इक्वल टू जीरो और 2x माइनस 5 इक्वल टू जीरो है तो x इक्वल टू कितना हो गया, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा 2 आएगा, अरे राइट में जाएगा तो क्या आएगा 2x इक्वल टू 5 आएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू क्या होगा 5/2। तो इसमें कितनी सॉल्यूशन हो गया, टू सॉल्यूशन हो गया, एक हो गया 2 और दूसरे सेकंड हो गया 5/2। तो देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, कितने रूट्स मिलते हैं, तो 2 रूट मिलते हैं। तो कंफर्म हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स हमें मिलते हैं, यानी कि 2 सॉल्यूशन मिलते हैं। अब देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सोल्व कितने तरह से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कितने तरह से कर सकते हैं। अब देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कितने तरह से उसको सोल्व कर सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 4 टाइप से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज करके गुणनखंड विधि से हम लोग उसको सोल्व कर सकते हैं, फैक्टराइज करके तोड़ करके सोल्व कर सकते हैं, जो अभी आपने देखा। और है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसमें हम लोग देखेंगे इसको कैसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है श्रीधराचार्य मेथड को, इसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं, श्रीधराचार्य ने इसे एक फॉर्मूला बनाया था जिसे हम श्रीधराचार्य मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। और ये 4 हो गया ग्राफिंग, तो 4 मेथड से हम लोग उसको सोल्व करेंगे। ग्राफिंग मेथड जो है अभी 10th में नहीं पढ़ना है, इस मेथड को हम लोग
टेंथ में नहीं पढ़ेंगे, हायर क्लास में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी थ्री टाइप्स से सोल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले देखेंगे एक फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग एक फैक्टराइजेशन मेथड से सीखेंगे, इसको फैक्टराइज करके जो है हम लोग उसका रूट निकालेंगे। इसमें पता है कि इसमें दो रूट आएगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैक्सिमम अधिक से अधिक दो रूट, अब मिनिमम वन आएगा, मैक्सिमम टू आएगा। तो मैक्सिमम रूट कितना आएगा, टू है। ध्यान देना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम टू रूट, जितना एक वेरिएबल का पावर होता है उतना उसका रूट आएगा, उतना उसका रूट आएगा, इस बात को ध्यान देना है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, अब क्या करेंगे, इसको बीच वाले को मिडिल जो है टर्म उसको हम स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, इसमें सिक्स है, फर्स्ट में सिक्स है और लास्ट में माइनस टू है, ध्यान देना है इसको। तो क्या लिखेंगे, सिक्स इंटू माइनस टू इजिकल टू माइनस ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व। अब हमें ये ट्वेल्व को देखना है, टू सिक्स टू थ्री, अब ये कितना हो गया, फोर इंटू थ्री। अब हमें क्या लाना है, माइनस एक्स लाना है, यानी कि इसमें जो वन क्या है, एक कोफिशियंट है, इसमें सिक्स है, इसमें वन है और इसमें एक कांस्टेंट रूप में माइनस टू है, इसमें कितना है, माइनस वन कोफिशियंट के रूप में। इसका जो है एक्स का कोफिशियंट कितना है, माइनस वन, एक्स का कोफिशियंट माइनस वन है, इसमें इसका कितना है कोफिशियंट, सिक्स है। अब हमें माइनस वन लाना है, माइनस वन यानी कि फोर दो आधार पर, एक है ऐड करके और नहीं तो सब्ट्रैक्ट करके। अगर हम फोर प्लस थ्री को ऐड करें तब हमको सेवन मिलने वाला है, यानी कि माइनस वन नहीं मिलने वाला है। अगर हम फोर माइनस थ्री को सब्ट्रैक्ट करें तब में क्या मिलने वाला है, प्लस वन मिलने वाला है, माइनस वन नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर हम थ्री माइनस फोर करें तब माइनस वन मिलेगा, थ्री माइनस फोर करेंगे तब माइनस वन मिलेगा। यानी कि हमको कैसे लिखना है, पहले थ्री उसके बाद फोर लिखना है, इस बात को ध्यान देना। हमको लाना क्या है, तो माइनस वन लाना है। अब माइनस वन कब आएगा, जब हम थ्री में से फोर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस वन आएगा। अब इसमें देखेंगे सिक्स एक्स स्क्वायर, इसमें क्या लिखेंगे, फर्स्ट में माइनस थ्री और एक्स है तो माइनस एक्स लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, ये फोर है लेकिन ये हम थ्री क्या प्लस में है और फोर माइनस में है, यहाँ पर हम थ्री प्लस में लिखेंगे और फोर माइनस में लिखेंगे, जैसे है वैसे लिख देना है। माइनस टू इजक्वल टू जीरो, माइनस टू इजक्वल टू जीरो। अब कितने था, वन टू थ्री टर्म, ये कितने बदल गए, फोर। अब इसमें हमें एक पेयर बना देना है, दो दो का पेयर होगा। अब इसमें जब पेयर हो गया दो दो का, अब इसमें देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, यानी दोनों में शामिल होना चाहिए। दोनों में शामिल क्या है, सिक्स और थ्री। तो इसमें सिक्स में क्या लिखेंगे, थ्री इंटू टू, यानी सिक्स में थ्री शामिल है और इसमें इधर ही थ्री है, इसका मतलब कॉमन रूप में क्या लिया जा सकता है, इंप्लाइडेड थ्री लिया लेंगे, इसमें थ्री लेंगे। अब इसमें एक्स भी है, इसमें भी दोनों साइड है, इसमें एक्स दो है, इसमें सिंगल है, तो एक अगर एक्स ले लेते हैं तब क्या बचेगा, इसमें सिक्स में हम थ्री तो ले लिए, क्या आया, टू आया, तो टू लिखेंगे और एक्स दो है, हमने सिंगल लिया था, एक्स आया। अब इसमें तो कुछ नहीं आया क्योंकि हमने थ्री एक्स ले लिया है, तब कुछ नहीं आया था वन। अब इसमें फोर एक्स माइनस टू है, अब इसमें देखना है कि इसमें कॉमन क्या होगा, तो फोर में टू है, फोर में टू है, टू इंटू टू, यानी कि फोर में टू है तो टू हम कॉमन ले सकते हैं, फोर में टू है, अब इसमें टू कॉमन ले, इधर भी टू है तो इसमें क्या आएगा, एक्स आएगा और साथ में क्या आएगा, टू भी आएगा, एक्स आएगा और टू भी आएगा, यानी टू एक्स आएगा। अब इसमें तो टू हमने कॉमन ले रखा है तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा,
तो हम माइनस भी ले रखा है तो माइनस ना करके ये प्लस आएगा इज इक्वल टू जीरो। अब फिर से कॉमन लेंगे इसमें और इसमें, फिर से कॉमन लेंगे, फिर से कॉमन क्या है इसमें 2x+1 दोनों में साथ, दोनों साइड इधर भी शामिल है इधर भी शामिल है तो क्या लेंगे इम्प्लाइड है इसमें हम 2x+1 कॉमन लेंगे इसमें क्या आएगा 3x आएगा उसमें क्या आएगा -2 इज इक्वल टू जीरो आएगा। इस तरह 2x+1 इज इक्वल टू जीरो और 3x-2 इज इक्वल टू जीरो यानी 2x+1 भी जीरो के इक्वल होगा और 3x-2 भी जीरो के इक्वल होगा। अब 2x इज इक्वल टू उसको हम राइट साइड डालेंगे तो क्या होगा प्लस है माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रहता तो प्लस हो जाता। एक तो 2x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू -1/2 x इज इक्वल टू -1/2। अब इसमें देखेंगे 3x इसको हम राइट साइड रखेंगे -2 है तो क्या होगा ये +2 x इज इक्वल टू क्या होगा 2/3। तो इसमें कितना सॉल्यूशन निकला 2 सॉल्यूशन निकला यानी कि 2 रूट निकला। तो देखिए इसको हम किस मेथड से हल किए फैक्टराइज के द्वारा, इसको हम फैक्टराइज के द्वारा इसको सोल्व किए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला के द्वारा हम लोग इसको सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में।